संबंध है। तो उत्तर प्रदेश वासियों का ननिहाल जैसा है, भगवान राम की माँ कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ी है। और मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूँ, जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि मैं ननिहाल में पहले मंदिर का निर्माण करूंगा, और ननिहाल में जब मंदिर का निर्माण होगा तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आएगी और राम मंदिर का निर्माण होगा। और भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो रायपुर में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार है, डबल ताकत के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ, मंदिर बन रहा है और जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। जय जय श्री राम। रामलला का अपने मंदिर में विराजमान होने का मतलब राम राज्य की घोषणा, और राम राज्य की घोषणा का सबसे ज्यादा लाभ ननिहाल वालों को मिले, छत्तीसगढ़ वासियों को मिले। इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में आवश्यक है। जय जय श्री राम। भैया बहनों, कल भी और आज भी कई सभाओं में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और छत्तीसगढ़ में भी मैं देख सकता हूं उसका असर है, और छत्तीसगढ़ का मन डॉक्टर रमन। यानी यहां आज एक एक जगह हमें देख करके, लोगों के उत्साह को देख करके, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त माफियाओं के सागिर्द भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को पूरी तरह मिटाने पे तुली भी है। भैया बहनों, इसीलिए तो मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। घोटाले पे घोटाले मैंने तो देखा, एक ही प्रगति हुई है। बिहार में लालू जी ने चारा खाया और यहां पे कांग्रेस गोबर पका जा रही है। आपने देखा होगा ना, दोनों सागिर्द हैं, बिहार में दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संस्कारों का क्या असर पड़ता है, या हमको देखना हो तो कांग्रेस के ऊपर देख सकते हैं। जिस भैंस के चारे को लालू जी पचा गए थे अपने शासन में, आज कांग्रेस ने उससे भी दो कदम आगे चल करके गोबर को ही पचाने का काम शुरू कर दिया। कितना बड़ा घोटाला, कोयला घोटाला, युवाओं को मिलने वाली नौकरी में घोटाला, खनन का घोटाला, और घोटाले पे घोटाले की ये सरकार किस हद तक कार्य करना प्रारंभ कर दी है। यानी पहले तो वायदे खिलाफी की, फिर जनता को मिलने वाली योजनाओं में इन्होंने बंदर बांट किया, और अब भ्रष्टाचार की एक नई इबारत खड़ी करते करते छत्तीसगढ़ के विकास को ही बाधक करके इसके अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करने पर उतारू। भैया बहनों, जिस छत्तीसगढ़ के प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा से, जो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, प्राकृतिक संपदा से, अपनी वन संपदा से, खनन संपदा से,
प्रकृति के अनमोल रत्नों का खजाना है, जिस छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरी देश और दुनिया ने देखा है, आज छत्तीसगढ़ फिर से सिसकियां दे रहा है। वहां पर फिर से जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है,